जिले के अमला विकास खंड में आने वाले ग्राम छावल में आदि शक्ति मां रेणुका का ऐसा एक अनोखा मंदिर स्थित है जहां मां रेणुका तीन बार रूप बदलती हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर छावल गांव में स्थित मां रेणुका का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। छोटी सी पहाड़ी पर बने इस मंदिर में मां रेणुका की अनोखी प्रतिमा है। मान्यता है कि यहां स्थित मंदिर में एक दिन में देवी तीन रूप बदलती हैं। मां रेणुका सुबह नन्ही बालिका के स्वरूप तो दोपहर में मां के चेहरे का तेज भर जाता है और शाम को मां रेणुका ममतामयी सौम्य करुणा के रूप में नजर आने लगती हैं। कथाओं के अनुसार पहाड़ी पर बना ये मंदिर लगभग 450 साल पुराना है। मां रेणुका की जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित है वह यहीं से प्रकट हुई थी। मंदिर के प्रारंभ से लेकर अब तक गोस्वामी परिवार ही यहाँ पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जबलपुर से भोपाल से लोग आते हैं। यहाँ अधिकतर लोगों की मन्नतें पूरी होती है, जिन्हें संतान नहीं होती है संतान की प्राप्ति होती है माता के प्रेम से। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विशेषकर यहाँ पर लोगों को संतान की प्राप्ति ज्यादा होती है। यहाँ का मुख्य यहाँ पर ऐसी दो तीन चीजें है जिससे लोगों को यहाँ बहुत प्रकार से फायदा होता है। संतान होती है, किसी की मन्नतें पूरी होती है। अगर इसके इतिहास के बारे में पता जाए तो क्या कुछ जानकारी है कि माता जी की स्थापना कैसे हुई? इसके पुराने इतिहास के बारे में तो कोई नहीं जानता कि कब बना, कब इसने बनाया इस मंदिर को, किसने निर्माण किया, इसकी तो कोई जानकारी है नहीं। पर यहाँ पर लोगों ने यहाँ जो माया के चक्कर में लोगों ने मूर्तियों को तोड़ा, इसके बाद माता जी को कचहरी में ले गया गया, वहाँ रखा। जब स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया गया तब फिर गाँव वालों ने फिर से यहाँ लाया, फिर से मैया जी को फिर से प्रतिष्ठित किया, उनकी मूर्ति को फिर से यहाँ पर स्थापित किया गया।